हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में देख सकते हो हमारे सामने एक बाथरूम है जो कि 1 फीट बाई 1.5 फीट का टाइल्स के अंदर काफी खूबसूरत बाथरूम लग रहा है अभी। तो हमने कैसे बनाया है और कैसे नहीं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्लोरिंग का आपको दिखा देता हूँ। फ्लोर का जो टाइल्स है वो 1 फीट बाई 1.5 फीट की टाइल्स है और मैट फिनिश है, देख सकते हो। मतलब ज्यादा मैट भी नहीं और ज्यादा ग्लॉसी भी नहीं, हल्का सा मैट फिनिश है और डिजाइन से इसमें बाकी देख सकते हो इस प्रकार से। और वॉल का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2 फीट तक डार्क टाइल्स इस्तेमाल किया गया है चारों तरफ से, इस प्रकार से देख सकते हो। तो इसमें देख सकते हो ऊपर से मतलब थोड़ा ग्रूव बनाया गया है और बाकी मतलब ज्यादा ग्लॉसी भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्लॉसी है। और ऊपर देख सकते हो 2 फीट नीचे से डार्क इस्तेमाल किया गया है, 1 फीट फिर हाईलाइटर इस्तेमाल किया गया है चारों तरफ से कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर 1 फीट का लाइट इस्तेमाल किया गया है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो। उसके बाद फिर एक लाइन हाईलाइटर इस्तेमाल किया गया है इस प्रकार से। उसके बाद फिर 2 फीट लाइट इस्तेमाल किया गया है। तो टोटल हो जाता है अपना नीचे से ऊपर तक पूरा टोटल 7 फीट वॉल टाइल्स का। और फ्लोर मतलब इसके साइज की बात करते हैं तो ऐसे में 4 फीट है और ऐसे में 7 फीट है, मतलब 7x4 का अगर आप बाथरूम बनाते हो। मतलब ज्यादातर बाथरूम का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 7x4 ही है। मतलब कहीं पर भी आप देखोगे किसी भी इंजीनियर का अगर प्लान देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा अगर हाईएस्ट बाथरूम साइज रहेगा तो 7x4 ही रहेगा। तो 7x4 के अंदर आपको डिजाइन करना है बाथरूम टाइल्स लगाने वाले हो। अगर आपको चारों तरफ से अगर आपको हाईलाइटर वाला टाइल चाहिए तो उसमें ये टाइल्स आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कम खर्चे में बिठाने के लिए। ये टाइल्स आपको 210 से 220 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से मिल जाता है मार्केट में और बिठाने के लिए 18 से 20 रुपए स्क्वायर फीट इसका फिटिंग का चार्ज आ जाता है। और बिठाने के बाद काफ़ी अच्छा फिटिंग भी होता है ऐसे टाइल्स का, मतलब ज़्यादा ज्वाइंट वगैरह नहीं दिखता है और फिटिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। और अगर बात करते हैं टॉयलेट की तो यहाँ पर भी देख सकते हो तो टॉयलेट में है WC का, उसके अंदर 3 फीट तक वॉल का मतलब बिठाया गया टाइल्स, पूरा प्लेन टाइल्स बिठाया गया वाइट और नीचे भी पूरा ग्लॉसी टाइल्स वाइट बिठाया गया प्लेन। और इसका जो चौखट है ग्रेनाइट का वो भी आप देख सकते हो इस तरह से डबल पट्टी के अंदर बनाया गया है पूरा पर्ल ब्लैक के अंदर ग्रेनाइट का चौखट। तो इस तरह से आप आइडिया लेके टाइल्स ग्रेनाइट का काम करवा सकते हो। यहाँ पर भी जो बाथरूम है उसका भी ग्रेनाइट का ही चौखट है पूरा नीचे से ऊपर तक। यहाँ पर बनाया गया एक वॉश बेसिन जो कि देख सकते हो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अभी ये पूरा वॉश बेसिन बन के रेडी है। बस इसमें अभी बीच में सिंक बिठाना बाकी है, नीचे उसका प्लम्बिंग वगैरह दोनों पॉइंट वगैरह निकाला गया है, यहाँ से होल निकाला जाएगा और एक यहाँ पर बड़ा सा बेसिन बिठाया जाएगा, बिठाने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आएगा उसको। और यहाँ पर भी एक बाथरूम है जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर भी एक बाथरूम है, छोटा सा बाथरूम है ये 6x4 का। और हाइट अगर बात करते हैं हाइट की तो हाइट पूरा 10 फीट तक दिखाया गया है। बीच में यहाँ पर देख सकते हो वो जो अभी बाथरूम दिखाया था मैंने वो इसी में आड़ा वाला डिजाइन दिखाया था, लेकिन ये जो बाथरूम है इसका हाईलाइट जो है आप देख सकते हो खड़ा में गया है। तो नीचे से देख सकते हो 1.5 फीट का डार्क का पीस बिठाया गया है इसमें चारों तरफ से, उसमें 2 फीट डार्क लगाया गया था, इसमें 1.5 फीट लगाया गया है। और बीच में देख सकते हो हाईलाइट जो है वो पूरा ऊपर तक देख सकते हो, 2 फीट तक पूरा हाईलाइट बिठाया गया है। और यहाँ पर आ जाता है एक छोटा सा विंडो और बाकी का पूरा टाइल्स जो है वो लाइट बिठाया गया है। अगर आप शावर पे लगाते हो टाइल्स तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बीच में हाईलाइट ही रहेगा, बाकी का सभी लाइट ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप बना सकते हो। बाकी इसमें भी ग्रेनाइट का चौखट बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी।